हर व्यक्ति का परिवार एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी और इससे रियल एस्टेट व्यवसाय पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब हम चाहते आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए, उसके लिए भी अनेकों कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कैसे बूम आए इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। सीधे सीधे स्टाम्प ड्यूटी के सेस पर 2% की छूट मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस छूट के कारण रियल एस्टेट में कारोबार तेजी से बढ़ेगा, लोग अपना मकान खरीद सकेंगे। अभी ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैसे और आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट में और कामकाज कैसे बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है और कदमों पर भी विचार कर रहा है।